अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। किचन ये दाबिश में मैं आ जाई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ फालसे का शरबत। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूँ, तो जिसके लिए मैंने फालसे ले ली हैं जी। एक प्याली मैंने फालसे की ले ली है और एक प्याली मैंने चीनी ले ली है। 1 टेबल स्पून मुझे नमक का चाहिए और 1 लीटर मैंने ठंडा पानी ले लिया है। मैंने इस जग में डाल दिया ठंडा पानी। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जग में ठंडा पानी 1 लीटर मैंने डाल दिया। इसमें मैं डालूँगी फालसे, चीनी 1 कप और 1 टेबल स्पून नमक। मेरे पास इस वक्त काला नमक नहीं था तो मैंने ये वाला जो आम नमक होता है घर में, मैंने वो डाल दिया। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब मैं इस चीज़ों को, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेती हूँ। चलें जी, ये हमारा ब्लेंड हो गया। अब मैं इसको छान लेती हूँ। मैंने ऐसे किया, एक बाउल ले लिया और मैं इसको छान लेती हूँ। ये एक स्ट्रेनर ले लिया, इसमें से मैं सारा ये छान लूँगी। बीज सारे लैदा हो जाएंगे और जो हमारा फालसे का शरबत है वो सारा बाउल में चला जाएगा। एक चम्मच ले लेंगे तो जल्दी जल्दी से आपका काम हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त फालसे का शरबत बन रहा है। गर्मी का तौर, जितनी गर्मी है तो ये पिए तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी आपको ज़रा कम लगेगी। फिर ज़बरदस्त सा फालसे का शरबत रेडी हो रहा है हमारा। तो ये देखें व्यूवर्स, मैंने सारा पल्प इसका, ये देखें ये सारा साइड पे आ गया और जूस सारा उस बाउल में चला गया। ठीक है, तो ये देखें हमारा ठंडा ठंडा फालसे का शरबत रेडी हो गया। अब मैं इनको ग्लास में सर्व कर दूंगी। ये देखें मैंने ठंडा बर्फ पानी डाला है, बर्फ नहीं थी हाँ, तो मैंने ठंडा सा पानी ले लिया उसमें बनाया। माशाल्लाह से बहुत ठंडा है। आपने भी बनाना है, आपने भी ऐसे मुझे बताना है कि आपका कैसा बना था। देखें मेरा फालसे का शरबत बन गया और मैंने इन क्लासेस में इसको सर्व किया है। तो व्यूवर्स, आपने भी बनाना है, आपने भी ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, कल मैं इंशाल्लाह किचन विद आबिश में एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।